कुशाग्र पायल शिलोंग से हैं जो क्लास 10th के छात्र हैं और इनका भी प्रश्न हमारे सामने है। गुड मॉर्निंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आई एम कुशाग्र पायल ऑफ क्लास 10 फ्रॉम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग। सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट What role do you suggest for the teachers to play in developing confidence among students facing in the examination? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। शिक्षकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या रोल निभाना चाहिए? माननीय हम सबको इस बारे में कुछ बताएं। वैसे शिक्षक अपना दायित्व तो निभाते ही हैं, इसलिए मुझे उनको कोई ज्यादा एडवाइस करनी नहीं है, लेकिन वक्त काफी बदल चुका है। एक समय ऐसा था, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कि परिवार में अगर कोई अच्छी चीज खाने पे बनती थी तो माँ को मन करता था कि तेरे टीचर को जरा उनके घर थोड़ा देकर के आ जाओ। ये ठीक है कि मेरे यहाँ मेरे टीचर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, लेकिन माँ का मन करता था कि कुछ बना है अपने घर में, तेरे टीचर को दे आओ, कुछ अच्छी चीज हुई है टीचर को बता दो। टीचर एक प्रकार से फैमिली मेंबर हुआ करते थे। कभी कभी माँ बाप जो बात बच्चे को नहीं बता सकते थे तो माँ बाप टीचर को कहते थे और उसको कहते थे कि जरा आप उसको थोड़ा समझाइए ना, और टीचर टीचिंग के सिवाय ये काम करते थे। माँ बाप का टीचर पर एक भरोसा हुआ करता था कि जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हम अपने बेटे से नहीं कर सकते, वो टीचर कर पाएंगे। आज धीरे धीरे स्थिति ये है कि बहुत से माँ बाप शायद टीचर को पूरी तरह जानते भी नहीं हैं, और जानते तो तब है कि जब बेटा आकर के शिकायत कर दें कि टीचर ने मुझे डांट दिया, तो दूसरे दिन गुस्सा करके माँ बाप स्कूल पहुंच जाएंगे और वो टीचर का लेफ्ट राइट करके ही छोड़ेंगे, तब जाके पता चलता है ये उसका टीचर है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे परिवार में फैमिली डॉक्टर, वो परिवार के सब लोगों की सेहत के विषय में जानकार होता है, वैसा ही एक जमाना था टीचर पूरे परिवार के लोगों को बराबर इकोसिस्टम जानता था और उसके अनुसार वो बच्चे को गाइड करता था, हाथ पकड़ के चलाता था, उसका परिणाम मिलता था। आज वो एक कट हो गया है। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को जाना है। आप देखिए, मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं राजनीति में नहीं था, एक स्कूल ने फंक्शन में मुझे बुलाया था, शायद स्कूल के 25 साल हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं वहां टीचर से भी बात करना चाहूंगा, अलग से मुझे थोड़ा समय मिले। तो मैं टीचर से बैठा और मैंने उन टीचर्स को पूछा, बड़ी स्कूल थी, काफी नामांकित स्कूल थी, मैं उन टीचर्स के साथ बैठा, मैंने उनको पूछा कि भाई आप में से कोई 20 साल से टीचर होंगे, कोई 15 साल से टीचर होंगे, कोई 10 साल से टीचर होंगे, आप मुझे बताइए कि आपके यहां से निकले हुए हजारों विद्यार्थी हैं, वैसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनका नाम लेते ही आपको गर्व महसूस होता है और आप महसूस करते हैं कि मेरी स्कूल का बच्चा था, ये मेरे क्लास का बच्चा था, ये मेरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट था और उसने जिंदगी में ऐसा नाम कमाया है, आपको कोई याद है क्या? और आप हैरान हो जाएंगे, कोई मुझे बता नहीं पाए, कोई बता नहीं पाए। मैंने कहा कि आप में से कितनी डिग्रियां लेकर के निकले उसके बजाय कितनों की जिंदगी बनी, अगर ये आपका क्षेत्र नहीं है तो फिर शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और ये बात उन टीचरों को छू गई। फिर मैंने कहा, बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्कूल के कोई स्टूडेंट है जो जेल में है? चौंक गए वो, उनकी मुंडी नीची हो गई, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने दो एक्सट्रीम सवाल पूछे थे उन टीचर्स को। अगर मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी
किसी बुरे काम में नाम सुनाई दे तो एक टीचर के नाते मुझे चोट पहुंचनी चाहिए। और मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा जब जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो दिन मेरे लिए सुहाना हो, ये टीचर के मन का भाव होना चाहिए तब जाकर के। और मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, मैंने ऐसे टीचर देखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन की एक इच्छा थी, क्योंकि मैं घर छोड़ करके 30-40 साल बाहर रहा था, मैं कभी किसी को मिला नहीं था, एक गुमनाम सी जिंदगी में चला गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे सभी टीचर को बुलाऊं। तो मैंने सूची बनाना शुरू किया, मेरे अफसरों को काम पे लगाया, जो बचपन में जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था उनकी आयु करीब 96 हो गई थी, सबकी सूची बनाई, सबको मैंने एक कार्यक्रम में इकट्ठा किया, सार्वजनिक दूर पर मैंने उनका सम्मान किया। और मेरे मन को एक संतोष हुआ कि मेरे टीचर का मेरी जिंदगी में, तो जैसे टीचर से हमारा भाव है वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। हम टीचर, वो तो सरकारी नौकरी करता है या उसको तनख्वाह मिलता है, उसकी जिम्मेवारी है पढ़ाएं, जी नहीं, मेरे माँ बाप के बाद यही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर के बातें कर सकता हूँ। तो एक तरफ हमारी भी जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ हमारे टीचर्स की भी जिम्मेवारी है, इन दोनों को हमेशा। आपने देखा होगा खेल की दुनिया में भी टीचर होते हैं, लेकिन वहां शब्द प्रयोग होता है गुरु, गुरु शब्द, तो गुरु शिष्य परंपरा। आपने देखा होगा कि ये गुरु ऐसे होते हैं, खुद के संतानों के लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया हो, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। अगर वो अच्छा रेसलर है और उस गुरु के पास ट्रेनिंग ली है तो उस रेसलर के लिए वो गुरु सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करते हैं, अपने बच्चे बीमार होंगे तो भी शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन अपना एक शिष्य अच्छा रेसलर बने। ये जो गुरु शिष्य संबंध है जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। आज भी जब एक खिलाड़ी सक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है, और एक गुरु का शिष्य जब सक्सेस पाता है तो गुरु उस शिष्य को याद करता है। ये नाता शिक्षा जगत में भी पनपता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे शिक्षक भी हम लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं, हम भी उनकी अच्छी चीजों को स्वीकार करते चले और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये दोनों स्थितियां हमें उपकारक निकलेगी।